तो हेलो गाइस, आज मैं लेके आ चुका हूँ एक और थंबनेल ट्यूटोरियल। तो गाइस, आज हम लोग बड़ा कोई अलग सा एक थंबनेल ट्यूटोरियल बनाने वाले, एकदम डोप थंबनेल ट्यूटोरियल। वाकई मोंटाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम कुछ इस टाइप का थंबनेल बनाने वाले हैं। अगर गाइस आप लोग को अगर ऐसा टाइप का थंबनेल बनाना है, तो आपको बस हमारे डिस्क्रिप्शन पैक डाउनलोड करना है, एंड उसके अंदर मैंने आपको DNG PNG स्क्रीनशॉट सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है विद फॉन्ट एंड टेक्स्ट। आपको बस उसको सिर्फ डाउनलोड करना है। एंड गाइस, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अपने दोस्तों के पास प्लीज़ शेयर कीजिए। तो गाइस मिलते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आप लोग को सबसे पहले PSEC में आ जाना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है, एक 1920x1080 का जो हमारा थंबनेल साइज है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन से हमारा पैक डाउनलोड कर लेना। वो पैक पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, प्लीज़ ध्यान रखना। तो आपको वो पैक डाउनलोड कर लेना है, और वो पैक कुछ ऐसा सा होगा। आपको मैंने स्क्रीनशॉट उसका PNG DNG टेक्स्ट और फॉन्ट मैंने सब प्रोवाइड कर दिया इसी पैक में। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, जो ये वाला है। अगर आपको ये बैकग्राउंड वैसे ना मिले कहाँ से है, तो ये हमारे GFX कैप्टन गेमिंग YT सर का एक थंबनेल पैक उन्होंने रिसेंटली डाला है, उसमें से मैंने निकाला है। उसके बाद आपको क्या करना है, PNG निकाल लेना है इसी का। वैसे पॉलीगन सिलेक्शन टूल से भी आप निकाल सकते हो, पर मैंने आपका अभी काम आसान करने के लिए इससे करा है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो ये मेन लेयर है, मेन बैक है, इसमें आपको टिंट कर देना और ल्यूमिनस 0, और कलर आपको जो पसंद आया वो मैं पर्पलिश कर रहा हूँ। और इस पे आपको लाइटनिंग दे देनी है, फिर काफ़ी कम, मतलब सिर्फ कैरेक्टर के आसपास का थोड़ा ग्लो रहे बस, और नहीं इतना। इसके बाद आपको इसका कैरेक्टर का सेलेक्ट पिक्सल करना है, और नीचे से एम्प्टी ले लेनी है एक उसके नीचे, एंड यही कलर का आपको फिल कर देना है इसे। फिर आपको उसको लीनियर डॉच करके दो बारी गॉशियन ब्लर मारना है, और ये जो मेन लेयर है टेक्स्ट की, सॉरी बंदे कैरेक्टर की, इसको आपको डुप्लीकेट करना है, लीनियर डॉच करना है, गॉशियन ब्लर दे देना है दो बारी, जिससे ही थोड़ा ग्लोइश हो जाएगा। इसकी आपको ओपेसिटी कर देनी है फिर 50, थोड़ा ग्लो रहे और अच्छा लगे। या फिर आप और कम करना चाहते हो आप और कर सकते हो, मैं तो 40 रिकमेंड करता हूँ अपने हिसाब से। इसके बाद क्या कहना है, नीचे वाली की जो मेन लेयर है इस पर आ जाना है, और मैंने आपको दो पार्टिकल्स दे रखे, आपको वो दोनों लगा देना है। एक तो ये वाला सीधा लीनियर डॉच कर देना है, और ल्यूमिनस टेंट नहीं मारना। इसके बाद मैंने आपको ये एक बैरिकेड टेप दे रखी है कॉशन ब्लरी, ये आपको लगा देनी है ऊपर, दो दो करके एक दो लगानी है, पहले एक ऐसे, फिर एक उसको डुप्लीकेट करके नीचे बड़ी, फिर इसको मर्ज कर देना दोनों को, फिर इसको भी डुप्लीकेट करके लीनियर डॉच गॉशियन ब्लर दो बारी, जैसे थोड़ा ब्राइट रहे। इसके बाद आपका सारा काम सारा टेक्स्ट का रह गया। तो आपको टेक्स्ट लेना है, ये टेक्स्ट है, इसमें आपको पहले ऐसे BGMI मोन्टाज को अलग कर लेना है ऐसे मार्की सेलेक्शन टूल से, देन लेयर फॉर्म सेलेक्शन। फिर आपको इसका पहले सेलेक्ट पिक्सल करना है, एंड ग्रेडियंट दे देना है ये वाला। आप कलर देख सकते हैं, पहला 53, दूसरा 36, ये दे देना है। इसके बाद टेक्स्ट के ऊपर एक एम्प्टी ले लेनी है, ऐसे 50% सेलेक्ट करना है, एंड फिल कर देना है 53 से यू। इसके बाद आपको नीचे की जो टेक्स्ट है इसको सेलेक्ट करना है, ऊपर जो अभी अभी हमने बनाया उस पे जाना है, ट्रांसफॉर्म दे देना है 6 का, एंड एक्सट्रैक्ट। तो ऐसा सा कुछ हो जाएगा। फिर आप उसको ऐसे गॉड कर्व में जाके थोड़ा सा नीचे करके मर्ज कर देना, थोड़ी अच्छी लुक आएगी। सेम आपको ऊपर ये बनानजा में करना है, इसमें आपको वाइट वाला दे देना है ग्रेडियंट, पूरा वाइट और 70% ब्राइटनेस इसमें। इसका भी सेम है, ऐसे करके
एम्प्टी लेयर इसके ऊपर वाइट से, फिर नीचे मेन लेयर पे आके ऊपर वाली पे -5 एक्सट्रैक्ट, और इसका भी सेम। फिर आपको क्या करना है, आराम से इन दोनों को एडजस्ट कर देना है। अब ये भी हो गया गाइस, तो आपको अब क्या करना है, नीचे वाली पहले तो ये दोनों लेयर्स हटा देना है, क्योंकि आप जैसे ही टेक्स्ट को मर्ज करोगे आपका इसका सेलेक्ट पिक्सल करना है, उसके नीचे एक एम्प्टी लेयर लेके इसका स्ट्रोक से इसको भर देना है ऐसा। मैं 30 डिग्री मार रहा हूँ, 30% मतलब पूरा एकदम अच्छे से भर देना, और एकदम नीचे से क्लीन कट कर देना। पहले तो भर देना नीचे से भी, देन क्लीन कट। ऐसा एकदम क्लीन कट कर देना है, और आपको फिर से अब फिर ये दोनों अप्लाई कर लेना अपने, और ये जो मेन लेयर है उसको आपको बेवल दे देना है 4 का डिस्टेंस और इंटेंसिटी 4 की, वो 35 की पहले इतना देना है, फिर आपको इंटेंसिटी फुल एंड बेवल 2 का, इसके बाद आपको मर्ज कर देना है, एंड फिर एक ड्रॉप शैडो छोटा सा जिससे थोड़ी लुक दे दे ऐसे टिल्ड करके, ऐसा कर देना। अब आपका काम ज़्यादा नहीं बचा गया, अब जितना भी पैक में चीज़ें है थोड़ी थोड़ी, एक ही चीज़ बची है, सॉरी एक एरो बचा है। इस एरो को आप कैरेक्टर के नीचे ऐसे एडजस्ट कर दीजिए ऊपर की तरफ ऐसे, वो आपको अगर टेक्स्ट आप पे आप कैसे एडजस्ट कर रहे हो, मैं थोड़ा ऐसा कर रहा हूँ। इसके बाद आप टेक्स्ट का डुप्लीकेट करना और यहाँ पे एक छोटा सा रख देना, इससे भी छोटा वैसे तो, उस पर डायरेक्शनल ब्लर दे देना 6 नंबर का। फिर एरो अगर डुप्लीकेट करना, एंड फिर आपको ये टेक्स्ट का डुप्लीकेट लेयर करके वही लीनियर डॉच गॉशियन ब्लर 2 बारी एंड ऑपेसिटी बिलो 40 ये आपकी मर्जी, आपको करना तो करिए, मैं इतना करके डन करके सेव कर लेता हूँ। एंड ये सेव करके आपको ले आना, आ जाना हमारे एडोब लाइटरूम में। एडोब लाइटरूम में आती है आपको सबसे पहले अपना DNG मतलब प्रीसेट अप्लाई कर लेना है, डाल देना इंपोर्ट, फिर आपने जो अभी PSCC से बनाया वो इंपोर्ट करना है। फिर जो ऊपर 3 डॉट्स पे कॉपी सेटिंग होती है वो आपको प्रीसेट की कर लेनी है, एंड नॉर्मल वाले पे आके अप्लाई, मेरा पहले से है तो मैं सीधा सीधा लगा रहा हूँ, तो ये कुछ ऐसा सा आएगा, लेकिन आपको इसमें चेंजेस लाने हैं। सबसे पहले इस पे आके हाईलाइट एंड शेडो दोनों 0-0 कर देना है, एंड विग्नेट भी 0 कर। अब देखिएगा इस फर्क। गाइस यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। आपको अगर आज मैंने फर्स्ट टाइम कोई ऐसा अलग सा डाला है किसी चीज़ का ट्यूटोरियल, तो आपको अगर ऐसा पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, एंड हमें कुछ नए टॉपिक्स पे सजेशंस दीजिए, आपको किसी यूट्यूबर की तरह कोई थंबनेल चाहिए या कोई। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, Stay home, stay safe, peace out.